हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में हम आरबीसी हिस्टोग्राम्स के बारे में जानेंगे एंड इसको प्राइस जोन्स कर्व्स भी बोलते हैं। ये हिस्टोग्राम क्या है? ये जो आरबीसीस या जो भी डब्ल्यूबीसीस, प्लेटलेट्स, जो भी वैल्यूज आते हैं, ये न्यूमेरिकल्स में आते हैं। इसको हम जब ग्राफिकल डिस्प्ले करते हैं उसको हम हिस्टोग्राम बोल के बोलते हैं। तो ये है आरबीसी हिस्टोग्राम, ये है डब्ल्यूबीसी हिस्टोग्राम एंड ये है प्लेटलेट हिस्टोग्राम। आज के क्लास में हम सिर्फ आरबीसी हिस्टोग्राम के बारे में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो ये हिस्टोग्राम को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़े मशीन्स में ये हिस्टोग्राम्स को अनेबल करके रखते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। एक तो ये बताते हैं कि एवरेज वॉल्यूम ऑफ ईच सेल, कैसे वो सेल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो बताते हैं, एंड ऑल्सो कोई सब पॉपुलेशन है क्या उस सेल्स का, ये भी बताता है। सो जब भी हम ये हिस्टोग्राम को इंटरप्रेट करते हैं, हमको एक नॉर्मल बेल कर्व के बारे में पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो एक बेल की तरह है। सो दिस इज लाइक अ बेल, इट इज कॉल्ड एज अ बेल कर्व। सो ये बेल कर्व में ये है मीन, जो सेंटर पॉइंट है वो है मीन। सो ये मीन के दोनों साइड में अराउंड 68% ऑफ द सेल्स विल फॉल इन टू 1SD, 95% ऑफ द सेल्स विल फॉल इन 2SD पॉपुलेशन, 99% ऑफ सेल्स विल फॉल इन दिस पॉपुलेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर नॉर्मल वॉल्यूम के, नॉर्मल साइजेस के आपके सेल्स रहेंगे तो वो इस पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं। अभी हम एक आरबीसी हिस्टोग्राम में देखेंगे, सो देयर विल बी एक्स एक्सिस एंड देयर विल बी वाई एक्सिस। सो व्हाट डज द एक्स एक्सिस से? X axis will give you the volume of the cells, RBCs ke volume. So it can vary from 25 femtoliter to 250 femtoliters. And the Y axis will tell you कितने number of cells are there of that volume. So ye X and Y axis. So यहाँ पे और दो lines आएंगे, वो है RL and RU, और lower discriminator and upper discriminator. So ये जो भी है ये दोनों flexible है, vary हो सकते हैं machine के हिसाब से, and they will tell us कि ये जो RL है ये है RBC lower discriminator line, and ये fluctuate करेगा between 25 to 75 femtoliters में, यहाँ पे ये line आएगा, and RU will fluctuate from 200 to 250 femtoliters. So this will come at this end. So the curve has to be in dono lines ke beech mein, humko ye bell shaped curve aana chahiye. Next, you also have to remember ye RBC ke piche yahan pe jo gap hai, yahan pe jo chote cells hai, aur wo kya hai? Platelets. कम्स द प्लेटलेट, क्योंकि प्लेटलेट का वॉल्यूम कितना रहता है? 2 फेमटोलीटर्स टू 25 टू 30 फेमटोलीटर्स, ये प्लेटलेट का ये रहेगा। सो प्लेटलेट्स यहाँ पे आएंगे बिहाइंड दिस कर्व। द आरबीसी हिस्टोग्राम आप अगर देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स, अगर नॉर्मल सेल्स रहेंगे, नॉर्मल उनका वॉल्यूम है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, तो एक ऐसा बेल शेप्ड कर्व आएगा, एंड दैट विल बी यूजली विद इन 60 to 125। एंड यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द आरडीडब्ल्यू, 20% वी विल कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अवर रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। सो सपोज इन केस अगर बहुत ही स्मॉल सेल्स है, माइक्रोसाइट्स है, सो उस टाइम में ये जो नॉर्मल कर्व है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सो देर विल बी शिफ्ट ऑफ दिस कर्व, यहाँ पे लेफ्ट साइड में मूव होगा इफ देर आर मेनी माइक्रोसाइट्स। सिमिलरली इफ देर आर मेनी मैक्रोसाइट्स, MCV उनके ज्यादा रहेंगे एंड दिस कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड, दैट इज इन केस ऑफ मैक्रोसाइटिक। सो दिस इज अ MCV. MCV इज अ परपेंडिकुलर लाइन, जो पीक ऑफ द कर्व टू द बेस है। And red cell distribution width, I have already told you, that is the width which is calculated at 20%, and this is the width of the curve.
ये आरबीसी हिस्टोग्राम्स में थोड़े फ्लैग्स आते हैं जो हमको अलर्ट करते हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकता है सैंपल में या मशीन में. सो व्हाट आर द पॉसिबल फ्लैग्स आरबीसी हिस्टोग्राम में आएंगे इसके बारे में हम देखेंगे. सो वन इज द आरएल फ्लैग. आरएल फ्लैग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये जो लोअर डिस्क्रिमिनेटर है, अगर ये ऊपर से स्टार्ट हुआ, सपोज दिस कर्व जो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, दोनों एंड्स इसके टच होने चाहिए, इट इज नॉट टच्ड द बेस और ये ऊपर से स्टार्ट हुआ. सो इफ द लोअर डिस्क्रिमिनेटर 10% से ज्यादा अगर ज्यादा आता है तो हम इसको आरएल फ्लैग बोलते हैं. सो इसका क्या कॉजेस हो सकते हैं, समझिए अगर प्लेटलेट का इधर क्लंप्स है तो आरबीसी जब भी मशीन उसको रन करेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा ये प्लेटलेट के क्लंप्स है कि आरबीसीज है. सो वो एक फ्लैग को यहाँ पे बना देगा. अगर आरबीसी के फ्रैगमेंट्स है वो बहुत छोटे हैं तो इट विल गेट कंफ्यूज, ये आरबीसी के फ्रैगमेंट्स है कि प्लेटलेट्स है. सिमिलरली जॉइंट प्लेटलेट्स वो आरबीसी की तरह ही दिखने लगेंगे, सो द मशीन विल गेट कंफ्यूज. अगर बहुत ही छोटे छोटे आरबीसीज है, सो ऑल दिस कंडीशंस विल लीड to the LD exceeding 10% of the height. So, आपको ये RL flag मिल सकता है. तो जब भी आप ऐसे flag देखते हो, तो you should think कि ये सारे possibilities हो सकते हैं. It could be RBC fragments, या microspherocytes, या elliptocytes, platelet clumps, etc. Similarly, RU flag. So, ये जो कर्व था इट इज नॉट रीचिंग बेसलाइन यहाँ पे एंड ये ऊपर ही रुक गया है एंड इट इज एक्सीडिंग 5% ऑफ द प्रीसेट हाइट. सो जो ये अपर डिस्क्रिमिनेटर से 5% ये ऊपर ही उठ गया है. तो ये कब हो सकता है, जब सपोज इफ देर आर आरबीसी एग्लूटिनेशन. सो बहुत बड़े बड़े वो सेल बोल के वो उसको काउंट कर देगा एंड ये ऊपर ही रह जाएगा, कोल्ड एग्लूटिन रहेगा, तभी भी ये ऐसे हो जाएगा. एंड इन CLL, when the small lymphocytes are present, बहुत ही high number में अगर रहेंगे, तो ये curve ऐसे ऊपर चला जाएगा. तो इसको हम बोलते हैं RU flag, DW flag. DW flag जब मैंने red cell distribution width में बोला था, तो इसको DW, distribution width वाला flag, ये 20% से ऊपर आने लगता है. So same causes जो RU और RL में थे, वो ही causes can cause this DW flag. तो ये normal curve है, but यहाँ पे आप ये curve जो patient का है, आप देखोगे, तो curve तो left side में shift हुआ है, first thing, and second thing, इसका width भी ज्यादा हुआ है. सो देर इज शिफ्टिंग एंड देर इज एनाइसोसाइटोसिस, माइक्रोसाइटिक एंड एनाइसोसाइटोसिस. सो जब हम इसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिक पेशेंट को जब हम आयरन या थेरेपी देंगे, तो देर विल बी, इफ यू सी द कर्व, ये है नॉर्मल कर्व, बट अगर ये पेशेंट का हमने देखा तो ये पेशेंट को डबल कर्व आए हैं, मल्टीपल पीक्स आए हैं. ए एक पीक है, एमपी एक पीक है और ये दूसरा पीक है. सो दिस इज, देर आर अभी दो पॉपुलेशन ऑफ सेल्स आ गए, एक ये वाला पॉपुलेशन जो पहले ही था और एक अभी नॉर्मल भी उनको पॉपुलेशन हो रहा है, तो ये रिकवर हो रहा है. तो देर विल बी टू पॉपुलेशंस ऑफ सेल्स. सी दिस इज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, जब हम इसका पेशेंट का एमसीवी इज वेरी लेस, आरडीडब्ल्यू इज आल्सो वेरी हाई एंड यू कैन सी हियर मल्टीपल पीक हैज कम, एक तो ये वाला पीक एंड ये नॉर्मल वाला पीक. सो ऐसे आता है तो दिस कुड बी बिकॉज ऑफ रिकवरी आल्सो फ्रॉम थेरेपी. मेगालोब्लास्टिक में यू विल सी दैट द कर्व हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड, ये नॉर्मल है एंड यहाँ पे RDW भी ज्यादा है, that means anisocytosis is there and also curve right side को shift हो रहा है, that happens in case of macrocytic anemia. And अगर आप recovery हो रहे हैं, तो again you will see that there are two peaks, one is the newly formed normal cells and this is the old cells जिनके MCV ज्यादा थे. So this is what you see in multiple peaks, एक ये peak है
और दूसरा ये पीक है. सो इट इज इट विल हैपन इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी से रिकवर हो रहे हैं या विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी रिकवर हो रहे हैं. डाइमॉर्फिक पिक्चर है, नॉर्मल भी है एंड माइक्रोसाइट्स है या नॉर्मल एंड मैक्रोसाइट्स है. मल्टीपल आरबीसी ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन जब देंगे तो वो सेल का साइज अलग और जो ऑलरेडी पेशेंट में है वो सेल का साइज अलग. एक्सट्रीम ल्यूकोसाइटोसिस, अगर बहुत ही ज्यादा डब्ल्यूबीसी काउंट हो गया तभी भी यू कैन सी मल्टीपल पीक्स. सो ये देखिए, जब पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया हुआ है, एक तो पेशेंट का नॉर्मल सेल है और ट्रांसफ्यूज हुए हुए सेल्स है, तो अपने को यहाँ पे डबल पीक, मल्टीपल पीक मिलेंगे. सिमिलरली आप अगर यहाँ पे देखोगे इस पेशेंट में, इसके एमसीवी वाज नॉर्मल, आरडीडब्ल्यू बड़ा हुआ है, ये है नॉर्मल कर्व, बट यहाँ पे पेशेंट का आप देखोगे कि आरडीडब्ल्यू इज वाइडेंड. सो यहाँ पे आपको एक तो पता चलेगा कि सेल साइज वेरी हो रहे हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे प्लेटू है, ये जो है ये रेज होके यहाँ पे आ रहा है. तो दिस कुड बी because of, I have already told you, fragmented RBC हो सकते हैं because of disseminated intravascular coagulation, thrombocytic purpura हो या burns हो या prosthetic walls हो, cardiac prosthetic walls के वजह से RBC fragment हो सकते हैं and तभी आपको ऐसे curve मिल सकता है. So आप यहाँ पे देखोगे कि ये smear में there are many fragmented RBCs and आप यहाँ पे देखो ये curve जो normal ऐसा है ये ऊपर से उठ के आ रहा है, इट बेसलाइन को टच नहीं कर रहा है एंड ये इस साइड में है. सो दिस आल्सो सजेस्ट अ केस ऑफ हीमोलाइसिस जहां पे फ्रैगमेंटेड आरबीसी से. वैसे ही ये देखिए, ये जो नॉर्मल कर्व है एंड हियर द पेशेंट्स कर्व हैज कम टुवर्ड्स द राइट साइड एंड यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस दिख रहे हैं. सो आप अगर पेशेंट का देखोगे उसके सीबीसी प्रिंट में, तो उसको पेशेंट को यू विल सी दैट हीमोग्लोबिन 11 आया है, एमसीवी 81, एमसीएच और एमसीएचसी आ ही नहीं रहा है. ऐसे केसेस में यू शुड ऑलवेज थिंक वेदर इट इज एग्लूटिनेशन. जब भी एग्लूटिनेशन रहेगा तो ऐसे एमसीएच और एमसीएचसी नहीं आते हैं. एंड इफ यू सी द आरबीसी को अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे एक ये बेसलाइन को टच नहीं किया है, ऐसे मल्टीपल प्लेटूस आके ये बेसलाइन को टच कर रहा है. तो यू शुड थिंक वेदर देयर कुड बी एनी काइंड ऑफ एग्लूटिनेशन. सो ये यहाँ पे ये बिफोर इंक्यूबेशन था. सो जब इंक्यूबेशन किया वो सैंपल को 37 डिग्री पे 15 मिनट्स पे इंक्यूबेशन करके जब उन्होंने रन किया सैंपल, तो देखिए एमसीएच भी आ गया, एमसीएचसी भी आ गया, है ना. तो द कर्व इट विल बी ऑलमोस्ट, इट विल कम टू नॉर्मल. यहाँ पे इमीडिएटली वो नॉर्मल पे आ गया, देयर वाज नो प्लेटू, बेसलाइन को टच कर गया. बट हियर यू विल सी दैट इट वाज नॉट टचिंग द बेसलाइन एंड देयर वाज एग्लूटिनेशन. तो ये है आरबीसी हिस्टोग्राम का इम्पोर्टेंस. यू शुड स्टार्ट लर्निंग कि हम ये आरबीसी हिस्टोग्राम को देखे, इससे समझे कि क्या क्या हो सकता है एंड अकॉर्डिंगली पेशेंट का हिस्ट्री से, पेशेंट के सीबीसी से, पेशेंट के पेरिफेरल स्मियर से आपको कोरिलेट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं दिस हिस्टोग्राम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thank you.